नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टंप लाइन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर मैच के बारे में। तो आज की जो मैच है आरआर वर्सेस आरसीबी, इसमें से जो भी हारेगा वो आज सीधा टूर्नामेंट से बाहर होगा और जो जीतेगा वो क्वालिफायर टू में पहुँचेगा। कल की जो मैच थी वो क्वालिफायर वन थी, जहाँ पे केकेआर वर्सेस एसआरएच की मैच थी। वहाँ पे केकेआर ने एसआरएच को 8 विकेट से हरा दिया, इसलिए केकेआर डायरेक्ट फाइनल में पहुँच चुकी है। उसके बाद जो एसआरएच थी जो हार चुकी थी, उसको और एक मौका है इस 2024 आईपीएल के फाइनल तक पहुँचने का। तो वो फ़िलहाल अभी क्वालिफायर टू में है, तो वहाँ पे वेट कर रही है। इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो उसके साथ खेलेगी, एसआरएच के साथ, जो कि 24 तारीख को मैच है 24 मई को। तो वो एसआरएच की टीम के साथ इन दोनों में से कोई एक टीम जो जीतेगी वो खेलेगी। उसके बाद एसआरएच के साथ इनमें से जो जीतने वाली टीम है उन दोनों के मैच होने के बाद इन दो में से जो भी जीतेगा वो सीधा फाइनल में पहुँचिएगा। तो इस तरह की मैच होने वाली है। तो फिर इस मैच में हम ग्रैंड लीग का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो ग्रैंड लीग के लिए किस तरह से ड्रीम इलेवन में हमें टीम बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगा, कौन सी ट्रिक काम कर रही है वो आपको बताऊंगा, स्टार्स बताऊंगा जो आज के मैच के जो हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर है जिनका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर है उन सभी प्लेयर का मैं स्टार्स बताऊंगा, वो कितनी बार ड्रीम टीम में आए, कितने बार कैप्टनसी वाली पारी खेले, कितने बार वाइस कैप्टनसी वाली पारी खेले, ये इसका आपको स्टार्स दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको मेरे जो कल का प्रेडिक्शन है वो किस तरह से गया वो आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मेरा जो प्रेडिक्शन है कल के मैच का था तो वो किस तरह से गया वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके स्टार्स देखेंगे, उसके बाद हम टीम बनाना चालू कर देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको चार तरह की अलग अलग टाइप की टीम बनाना सिखाऊँगा, किस तरह से टीम इस 2024 आईपीएल में इस मैच में आपको बनानी है वो आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं कल के प्रेडिक्शन से स्टार्ट करता हूँ। तो चलो कल का प्रेडिक्शन चेक करते हैं। तो कल की जो मैच थी केकेआर वर्सेस एसआरएच, जो कि क्वालिफायर वन थी, तो क्वालिफायर वन में जो भी ड्रीम टीम आ चुके हैं कल के मैच में, टीम का जो रिजल्ट आया तो ड्रीम टीम ये आ चुकी है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने जो रेड सर्कल में हाईलाइट किया है वो सभी ट्रंप प्लेयर है। मैं ट्रंप प्लेयर उसे बोलता हूँ जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के अंदर होता है, तो उन सभी प्लेयर को मैं ट्रंप प्लेयर बोलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कल के मैच में जो 11 प्लेयर जो ड्रीम टीम में आए उनमें से 4 प्लेयर ट्रंप प्लेयर थे। आप देख सकते हैं स्टार्क, हर्षित राणा, राहुल त्रिपाठी और रामनुल्ला गुरबाज, ये 4 ट्रंप प्लेयर थे कल के मैच में। तो इसमें मैंने प्रेडिक्शन ये किया था कि जो भी कल के मैच में जो 11 हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर थे उनमें से मिनिमम 4 को ड्रॉप करके मिनिमम 4 ट्रंप प्लेयर आपको डालना है, ऐसा मैंने बोला था। तो ये मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। तो चलिए इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ मैं। कल के मैच में मैंने 11 हाई सिलेक्शन प्लेयर आपको कल के प्रेडिक्शन में दिखाया था और बोला था कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दिखाया था और बोला था कि जो भी आज के मैच में 11 हाई सिलेक्शन है उनमें से मिनिमम 4 को आपको ड्रॉप करना है, 4 ट्रंप डालना है, ऐसा बोला था। तो आप देख सकते हैं ये कल के मैच में मैंने ये आपको स्टार्स दिखाया था जो कल के मैच में जो हाई सिलेक्शन प्लेयर थे एसआरएच और केकेआर की तरफ से, तो ये स्टार्स मैंने दिखाया था और बोला था कि इनमें से मिनिमम 4 को आपको ड्रॉप करना है और 4 के जो 4 ड्रॉप करेंगे उनके जगह पे 50 के अंदर वाले प्लेयर डालना है, यानी कि ट्रंप प्लेयर डालना है, ऐसा बोला था। तो देखिए कल के मैच में 4 ट्रंप प्लेयर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केकेआर के तरफ से जो हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर थे कल के मैच में वो सभी के सभी पाँच में से पाँच प्लेयर केकेआर के हाई सिलेक्शन वाले आ गए, लेकिन जो एसआरएच के जो 6 हाई सिलेक्शन प्लेयर थे कल के मैच में तो उसमें से सिर्फ 2 ही प्लेयर ड्रीम टीम में आए और बाकी के 4 प्लेयर फ्लॉप हो गए। 2 प्लेयर कौन कौन से आए, एक तो कमिंस आ गया, उसके बाद दूसरा प्लेयर आया क्लासे, तो ये 2 प्लेयर आए। बाकी के जो हाई सिलेक्शन थे जैसे कि नटराजन, रेड्डी, हेड और अभिषेक, ये 4 हाई सिलेक्शन प्लेयर फ्लॉप हुए।
तो ये मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। उसके बाद मैंने दूसरा प्रेडिक्शन ये किया था कि कल के मैच में जो बॉलिंग सेक्शन है, तो बॉलिंग सेक्शन में एक ना एक ट्रम्प ज़रूर आएगा। बॉलिंग सेक्शन में मिनिमम 1 से लेकर 5 के बीच में आपको ट्रम्प रखना है, ऐसा बोला था। और आप देख सकते हैं इस मैच में, कल के मैच में बॉलिंग सेक्शन में 2 ट्रम्प प्लेयर आ चुके हैं। तो ये मेरा दूसरा प्रेडिक्शन सही हुआ। उसके बाद मैंने तीसरा प्रेडिक्शन ये किया था कि ये दोनों भी टीम के तरफ से जो भी कॉम्बिनेशन आया है, वो कॉम्बिनेशन आपको यूनिक रखने के लिए बोला था। मैंने आपको दिखाया था कल के मैच में, कल के मैच से पहले जो भी इन दोनों भी टीम के तरफ से कॉम्बिनेशन आ चुके थे, तो उन सभी कॉम्बिनेशन को मैंने आपको दिखाया था और बोला था कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कभी मत करना, एक यूनिक कॉम्बिनेशन यूज़ करना, उससे आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा मैंने बोला था। तो देखिए दोनों भी टीम के तरफ से एक यूनिक कॉम्बिनेशन ही आया है, एक भी कॉम्बिनेशन एक पुराने कॉम्बिनेशन से मैच नहीं कर रहा है। तो आपको चलो दिखा देता हूँ ये कल के मेरे प्रेडिक्शन का जो थंबनेल था, प्रेडिक्शन जो वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब में, उसका ये थंबनेल था जहाँ पे मैंने बोला कि ये 25 कॉम्बिनेशन मत लेना। वैसे तो कोलकाता और SRH के टोटल दोनों के बीच 14-14 मैच हो चुके हैं, तो 14 × 14 यानी कि टोटल 28 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन मैंने 25 की मत लेना बोला। इसका रीज़न ये है कि जो कोलकाता के आखिरी के 2 मैच जो कैंसिल हो चुके हैं, तो वो मैच एक GT की शर्त थी जो कि 63वीं मैच थी, वो बारिश की वजह से कैंसिल हो चुकी थी, इसलिए वो कैंसिल हुई। उसके बाद जो 70वीं मैच थी कोलकाता की जो राजस्थान के साथ थी, वो भी बारिश की वजह से कैंसिल हो चुकी है। तो इसलिए 14 में से सिर्फ 12 ही मैच का कोलकाता का रिजल्ट आया है और 2 मैच बारिश की वजह से कैंसिल हो चुके हैं। तो इसलिए कोलकाता के 12 कॉम्बिनेशन और हैदराबाद के 13। हैदराबाद के 13 कॉम्बिनेशन क्यों, 14 में से तो 14 होना चाहिए, 13 क्यों? इसका रीज़न ये है कि सिर्फ 13 मैच का रिजल्ट आया है हैदराबाद के मैच का। एक जो मैच थी 66वीं मैच हैदराबाद की जो कि GT के साथ थी, वो बारिश के वजह से कैंसिल हो चुकी थी, इसलिए हैदराबाद के 13 ही मैच हो चुके थे। तो 13 और 12 हैदराबाद के और कोलकाता के 12, यानी कि टोटल 25 कॉम्बिनेशन। तो जो भी पुराने 25 कॉम्बिनेशन हो चुके थे, उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन मत लेना, ऐसा बोला था, एक नया कॉम्बिनेशन बनाओ, ऐसा बोला था। तो ये 25 कॉम्बिनेशन नहीं आ चुके हैं। चलो मैं आपको वो भी प्रूफ दिखा देता हूँ, मैंने कौन से स्टार्स दिखाया था वो आपको दिखाऊँगा, और किस तरह से यूनिक आया है वो भी आपको चेक करके बता दूँगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं, आप कल जो, चलो सबसे पहले हाई सिलेक्शन वाले दिखा देता हूँ। तो कल के मैच में मैंने आपको बोला था कि ये हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर है, तो इनमें से 4 ड्रॉप होंगे। तो ये तो मैंने दिखा दिया है आपको, इनमें से 4 को ड्रॉप करके 4 ट्रम्प आ चुके हैं, तो ये प्रेडिक्शन मेरा सही गया। चलो कॉम्बिनेशन चेक करते हैं और देखते हैं ये कॉम्बिनेशन पिछले मैच जो हो चुके हैं ये दोनों भी टीम के तरफ से, उनसे मैच किया है या नहीं। तो चलिए कल के मैच का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो हैदराबाद की तरफ से सिर्फ 3 ही प्लेयर ड्रीम टीम में आए, एक क्लास है, दूसरा राहुल त्रिपाठी, तीसरा पैट कमिंस। तो चलिए 3 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। इससे पहले हैदराबाद के टीम ने इस 2024 IPL में 3 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन काम कर चुका है या नहीं, वो चेक करते हैं। तो मैंने कल के मैच में आपको कॉम्बिनेशन दिखाया था हैदराबाद के तरफ से, 13 कॉम्बिनेशन दिखाया था। चलो ये 13 कॉम्बिनेशन था जो मैंने कल के प्रेडिक्शन में दिखाया और बोला था कि इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन मत लेना। तो आप देख सकते हैं इसमें, इस IPL 2024 में हैदराबाद की तरफ से जितने भी कॉम्बिनेशन चल चुके हैं, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन 3 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पे SRH के तरफ से सिर्फ 3 ही प्लेयर चले, उसके अलावा जितने भी मैच हुए वो 4 से लेकर 7 तक चले हैं। तो देख सकते हैं ये यूनिक कॉम्बिनेशन आ गया, आप चेक कर सकते हैं इसमें से 3 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन एक भी नहीं है। त्रिपाठी,
क्लासे और पैट कमेंस, ये तीन प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन। उसी तरह से मैंने बोला था कि कोलकाता के तरफ से भी जो भी कॉम्बिनेशन आप लेना, एक यूनिक कॉम्बिनेशन लेना, एक भी कॉम्बिनेशन का भी मत करना। तो आठ प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। चलो आपको कल का कॉम्बिनेशन पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद वो चेक करेंगे कि पहले के कॉम्बिनेशन से मैच हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलकाता की तरफ से कल के मैच में आठ प्लेयर ड्रीम टीम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, गुरबाज, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, सुनील नरीन, आंद्रे रसल, स्टार्क, चक्रवर्ती और हर्षित राणा। तो ये टोटल आठ प्लेयर कल कोलकाता की तरफ से चले थे। तो चलिए चेक करते हैं कोलकाता की तरफ से जो मैंने पुराने कॉम्बिनेशन दिखाए थे उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन मैच होता है या नहीं। मैंने बोला था कि यूनिक लेना, तो यूनिक ये कॉम्बिनेशन आया है या नहीं वो प्रूफ के साथ चेक कर लेते हैं। तो चलिए आठ प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोलकाता के 12 कॉम्बिनेशन आपको दिखाया था मैंने, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कॉपी मत करना ऐसा बोला था, नया कॉम्बिनेशन यूज़ करना ग्रैंडली के लिए ऐसा बोला था। तो आप देख सकते आठ प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो 11 मैच है उसमें आप चेक कर सकते हैं, आठ प्लेयर सेम आठ चले, लेकिन उसमें फ़र्क इतना है कि वहाँ पे साल्ट चला, रघुवंशी चला जो कि कल के मैच में नहीं चला, उसके बाद रमनदीप भी चला था वो भी कल फ्लॉप हुआ। तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन आया, पहले जो चल चुका है आठ प्लेयर वाला वो अलग था, आज के मैच में जो चल चुका है वो अलग है, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन। इस तरह से मेरा ये प्रेडिक्शन सही हुआ। तो चलिए अब हम आज के मैच का प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार दिखा देता हूँ, दोनों भी टीम के तरफ से जो ड्रीम टीम में आ चुके हैं वो पुराने दिखा देता हूँ, क्योंकि आज के मैच में भी वही होने वाला है। आपको ये ड्रीम टीम ज़रूर चेक करना पड़ेगा, इससे आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस ज़रूर बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आरआर के कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ पुराने जो इस 2024 आईपीएल में चल चुके हैं। तो आरआर के जो टोटल मैच हो चुके हैं 14 मैच हो चुके हैं, जो कि आखिरी की जो मैच थी जो कोलकाता के साथ थी 70वीं मैच, वो बारिश के वजह से कैंसिल हो चुके हैं, इसलिए राजस्थान के टोटल 13 ही मैच का रिजल्ट आया है, इसलिए 13 कॉम्बिनेशन चल चुके हैं। तो वो 13 कॉम्बिनेशन आपको मैं दिखाऊँगा कौन कौन से है। ये पहले के तीन मैच के कॉम्बिनेशन हैं, उसके बाद के ये तीन यानी कि टोटल 6 हो गए, उसके बाद के ये तीन यानी कि टोटल 9 हो गए, उसके बाद के ये तीन यानी कि टोटल 12 हो गए, और ये आखिरी का कॉम्बिनेशन यानी कि 13 कॉम्बिनेशन आपको दिखा दिया। तो आपको मैंने जो ये राजस्थान के 13 कॉम्बिनेशन दिखाया, इनमें से एक भी कॉम्बिनेशन आपको कॉपी नहीं करना है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आपको इतने सारे 13 स्क्रीनशॉट ना देखना पड़े एक ही पेज पर, इसलिए मैंने इन सभी प्लेयर के कॉम्बिनेशन को लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं अभी जो स्क्रीनशॉट दिखाया उनमें से जो पहले मैच में कौन सा कॉम्बिनेशन चला, दूसरे में कौन सा, तीसरे में कौन सा, चौथे में कौन सा, टोटल 13 मैच में से कौन कौन से कॉम्बिनेशन चले हैं उसका मैंने यहाँ पर डेटा लिख दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से पहले मैच में चले, दूसरे में कौन से। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कॉपी नहीं करना है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन यूज़ करना है आज के ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि ये इस तरह का ही कॉम्बिनेशन अब तक इस 2024 आईपीएल में वर्क कर चुका है। एक भी बार किसी भी टीम के तरफ से ऐसा नहीं हुआ है इस 2024 आईपीएल में कि पुराना कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट हुआ हो। तो आज के मैच में भी इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि आज यूनिक कॉम्बिनेशन ही आए, इसीलिए आपको ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं आरआर की तरफ से इसको आज के मैच में यूज़ नहीं करना है, कि यूनिक कॉम्बिनेशन यूज़ करना है उसी से आपको ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। तो ये मैंने आरआर की कॉम्बिनेशन दिखा दिया। अब मैं आपको आरसीबी के भी पुराने कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ जो इस 2024 आईपीएल में चल चुके हैं। तो आरसीबी के टोटल 14 मैच हो चुके हैं, तो 14 में से सभी के सभी 14 मैच का रिजल्ट आया है, एक भी मैच का आरसीबी का बारिश के वजह से कैंसिल नहीं हुआ है। तो आपको 14 कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। तो ये पहले के तीन कॉम्बिनेशन है, उसके बाद के ये तीन है, उसके बाद के ये तीन मैच का है यानी कि टोटल 9 हो गए, उसके बाद के ये तीन यानी कि टोटल 12 हो गए, और ये आखिरी के दो यानी कि टोटल 14 कॉम्बिनेशन है जो आपको मैंने दिखा दिया है। तो आपको क्या करना है, ये भी कॉम्बिनेशन आपको एक भी कॉपी नहीं करना है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन यूज़ करना है,
तो आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग पेज पर अलग अलग स्क्रीनशॉट में ना देखना पड़े, इसलिए मैंने एक ही पेज पर इन सभी कॉम्बिनेशन को लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले मैच में कौन सा चला, दूसरे में कौन सा, तीसरे में कौन सा, टोटल 14 मैच में कौन कौन से चले, मैंने सभी के सभी 14 कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको यहाँ से एक भी कॉम्बिनेशन कॉपी नहीं करना है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाना है, उसी कॉम्बिनेशन से आपको ग्रैंड लीग ज्वाइन करना है। तो ये आपके लिए टिप्स है। तो चलिए आपको मैं अब आज के मैच में जो हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं उन प्लेयर का आपको मैं स्टार दिखा देता हूँ। तो चलिए आपके आज के मैच में जो हाई सिलेक्शन है उनका स्टार दिखाता हूँ, जिसमें वो कितनी बार ड्रीम टीम में आए, कितनी बार कैप्टनसी वाली पारी खेले, कितने बार वाइस कैप्टनसी वाली खेले, और उनका सिलेक्शन आज के मैच में कितने परसेंट है, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं आरसीबी के टोटल 14 मैच हो चुके हैं, आरआर के टोटल 14 हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं आरसीबी के तरफ से जो हाई सिलेक्शन वाला प्लेयर है आज के मैच में कोहली है, जिसका सिलेक्शन परसेंट 91 है। उसके बाद दूसरा हाई सिलेक्शन आरसीबी की तरफ से ग्रीन है, जिसका सिलेक्शन आज के मैच में 90% है। तो आप देख सकते हैं कोहली 14 मैच में 10 बार ड्रीम टीम में आया, 4 बार कैप्टनसी वाली पारी खेला, एक भी बार वाइस कैप्टनसी वाली पारी नहीं खेला। तो आप देख सकते हैं ग्रीन का भी चेक कीजिए, यहाँ पे 14 मैच हो चुके हैं आरसीबी के। ग्रीन आरसीबी के तरफ से 7 बार ड्रीम टीम में आया, एक बार कैप्टनसी वाली पारी खेला, एक बार वाइस कैप्टनसी। उसी तरह से प्लेसिस भी 7 बार ड्रीम टीम में आया, उसका सिलेक्शन परसेंट आज के मैच में 79% है। 7 बार ड्रीम टीम में आया, एक बार कैप्टनसी वाली पारी खेला, एक बार वाइस कैप्टनसी। उसी तरह से पाटीदार का चेक कीजिए, आरआर के तरफ से हाई सिलेक्शन प्लेयर आज के मैच में सैमसन है, जिसका सिलेक्शन परसेंट 93 है। वो 8 बार ड्रीम टीम में आया, 3 बार कैप्टन बना, एक बार वाइस कैप्टन बना। उसी तरह से रियान पराग 14 मैच में 9 बार ड्रीम टीम में आया, एक बार कैप्टनसी वाली पारी खेला, 3 बार वाइस कैप्टनसी वाली पारी खेला। उसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे प्लेयर दिख रहे हैं उनका भी मैंने सिलेक्शन परसेंट लिख दिया है, वो कितनी बार ड्रीम टीम में आए वो लिख दिया है, कितनी बार वाइस कैप्टन बने, कितनी बार कैप्टन बने, वो भी लिख दिया है। तो आप यहाँ से चेक कीजिए। तो आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टोटल 10 हाई सिलेक्शन आपको प्लेयर दिख रहे हैं। तो आज के मैच में आपको ये करना है कि इन सभी प्लेयर को एक ही टीम में नहीं रखना है ग्रैंड लीग के लिए। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो रख सकते हो, टू मेंबर कॉन्टेस्ट के लिए आप सभी के सभी 10 प्लेयर हाई सिलेक्शन रख सकते हो। एक ट्रम्प प्लेयर से आप टू मेंबर कॉन्टेस्ट जीत सकते हो स्मॉल लीग का कॉन्टेस्ट। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इनमें से कन्फर्म 3 फ्लॉप होने वाला है, कोई भी हो सकता है इनमें से फ्लॉप, लेकिन 3 कन्फर्म होने वाला है। इसमें से 4 से लेकर 7 के बीच में हाई सिलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको 4 से लेकर 7 तक ही लेना है। या तो आप 4 लो, 5 लो, 6 लो या 7 लो, लेकिन इससे ऊपर या नीचे मत लेना, क्योंकि अब तक जो इस 2024 आईपीएल में जितने भी मैच हो चुके हैं उसमें सिर्फ एक मैच को छोड़ के, एक मैच कौन सी, जो 52वीं मैच थी जीटी वर्सेस आरसीबी, जहाँ पर 3 हाई सिलेक्शन और 8 ट्रम्प प्लेयर आ चुके थे। तो सिर्फ ऐसा एक ही बार हुआ है जहाँ पे 3 हाई सिलेक्शन चले। उसके अलावा जितने भी मैच हो चुके हैं इस 2024 आईपीएल में, टोटल 70 मैच हुए, 70 में से तो 4 मैच तो बारिश की वजह से कैंसिल ही हो चुके हैं, जैसे कि 63वीं मैच कैंसिल हुई, 66वीं हुई, 70वीं हुई और 3 मैच कैंसिल हुई, एक राजस्थान कोलकाता की, एक जीटी और कोलकाता की, और एक हैदराबाद और कोलकाता की। तो ये टोटल 3 मैच कैंसिल हो चुके हैं। तो बाकी के जो 70 में से 67 मैच हो चुके हैं, तो उन सभी मैचेस में से जो 66 है उसमें हर मैच में ऐसा ही हुआ है कि 4 से लेकर 7 के बीच में ट्रम्प प्लेयर आया है। अगर आपको प्रूफ भी देखना हो तो चलो प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम टीम बनाना चालू कर देंगे। तो चलो प्रूफ दिखा देता हूँ मैं आपको, जीटी और आरसीबी के जो मैच हुई थी उसमें सिर्फ 3 हाई सिलेक्शन और 8 ट्रम्प प्लेयर चले थे। तो चलिए ये देखिए, ये 52वीं मैच, इसमें देखिए जीटी वर्सेस आरसीबी की 52वीं मैच इस 2024 आईपीएल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनेश कार्तिक, प्लेसिस और कोहली, सिर्फ ये 3 हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर थे। उसके बाद जो ड्रीम टीम के बाद इनका ड्रीम टीम बनने के बाद जो इनका सिलेक्शन परसेंट था
वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप चेक कर सकते हैं। आठ ट्रम्प प्लेयर आ चुके हैं, तो वो ट्रम्प प्लेयर मैं किसे बोलता हूँ जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के अंदर हो। तो आप देख सकते हैं मैंने जिसे भी हाईलाइट किया है उन सभी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंट 50 के अंदर है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये ऐसी एक ही मैच गई है जहाँ पे आठ ट्रम्प प्लेयर चले, तीन हाई सिलेक्शन। इसके अलावा जितने भी मैच हुए हर मैच में 4 से लेकर 7 तक ही हाई सिलेक्शन और 4 से लेकर 7 तक ही ट्रम्प प्लेयर चले थे। तो आपको इस तरह से टीम बनानी है, तो चलिए इस तरह से आप रिस्क लेकर बना सकते हैं, ऐसी भी मैच चलती है, लेकिन इसके चांसेस कम है, इसलिए 4 से लेकर 7 तक आज के मैच में आपको हाई सिलेक्शन लेना है। तो चलिए हाई सिलेक्शन आज के मैच में कौन कौन से हैं उनको, उन सभी को मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह से टीम बनानी है। तो चलिए ये यहाँ पे मैंने कुछ हाई सिलेक्शन जिनका सिलेक्शन परसेंट 50 के ऊपर है उन सभी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि कौन कौन से हाई सिलेक्शन आज के मैच में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 10 प्लेयर हाई सिलेक्शन है आज के मैच में। तो चेक कीजिए यहाँ पे जो हाई सिलेक्शन है, राजस्थान की तरफ से 4 हाई सिलेक्शन है, एक सैमसंग जायसवाल, पराग और बोल्ट, ये 4 हाई सिलेक्शन है हैदराबाद की तरफ से। और आरसीबी के तरफ से 6 हाई सिलेक्शन है, यानी कि टोटल 10 हाई सिलेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इनमें से मिनिमम 3 तो फ्लॉप होने ही वाले हैं, तो इनमें से 3 मिनिमम आपको ड्रॉप करना है। मैक्सिमम इनमें से आप मैक्सिमम 6 ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन इनमें से मिनिमम 4 को आज के मैच में ज़रूर लेना है। और 6 तक ड्रॉप कर सकते, 3 से लेकर 6 तक, और जो भी जगह बचेगी इनमें से जिसे भी आप ड्रॉप करोगे, 3 को अगर ड्रॉप करते हो तो इसमें 3 और ट्रम्प डाल देना, और जो आखिरी का प्लेयर है वो भी ट्रम्प डाल देना, यानी कि टोटल 4 ट्रम्प प्लेयर आप 4 ट्रम्प प्लेयर 7 हाई सिलेक्शन के साथ जा सकते हो। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 5 हाई सिलेक्शन 6 ट्रम्प, या फिर 6 ट्रम्प या फिर 6 हाई सिलेक्शन 5 ट्रम्प ऐसा कर सकते, या फिर 7 हाई सिलेक्शन 4 ट्रम्प ऐसा कर सकते हो। आपको इनमें से जो भी आपको बनाना है बना सकते हो। तो चलिए ट्रम्प प्लेयर भी आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। तो कीपिंग सेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। तो कीपिंग में कार्तिक है, ट्रम्प जुरेल है, उसके बाद यहाँ पे 50 के अंदर वाले बैटिंग सेक्शन में एक पावेल है, जिन्होंने पिछली मैच खेला था मैं सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो नहीं खेला था उनको नहीं करूँगा, जैसे कि हेटमायर जो नहीं खेला था इसलिए इसको मैं ट्रम्प सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर आज की मैच खेलता है तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा ट्रम्प प्लेयर के रूप में, तो इसको मैं ज़रूर यूज़ कर सकता हूँ। तो फाइनल टीम जो रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो फाइनल टिप्स और पिच रिपोर्ट जो है, जहाँ पे इस वीडियो में मैंने पिच रिपोर्ट कवर नहीं किया है, अगर आपको पिच रिपोर्ट जानना है, इम्पोर्टेंट प्लेयर जानना है, तो वह आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस चैनल के अबाउट सेक्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, अगर आपको कुछ मेरे साथ बातें करना हो, डिस्कशन करना हो, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मुझे आप मैसेज भेज सकते हैं बातचीत करने के लिए। तो चलिए अब जो पिछले मैच खेल चुके हैं उन सभी ट्रम्प को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हाई सिलेक्शन इन तीनों को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद रविचंद्र अश्विन है 50 के अंदर ट्रम्प है, उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में चहल पिछली मैच नहीं खेला था इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर ये आज की मैच खेलता है तो इसको ट्राई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो पिछले मैच खेले थे उन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ ट्रम्प प्लेयर जिसका सिलेक्शन परसेंट 50 के अंदर हो। तो चलिए हमारी ये टोटल 11 प्लेयर हो चुके हैं। इसके अलावा और नीचे भी है, जैसे कि कर्ण शर्मा एक ट्रम्प है, तो ये भी है, लेकिन सिर्फ 11 ही प्लेयर ड्रीम इलेवन में सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने 11 प्लेयर ही कर दिए, इससे ऊपर नहीं कर सकता है। तो चलिए आपको यहाँ पर जो ट्रम्प प्लेयर दिख रहे हैं, तो इनमें से 4 मिनिमम ट्रम्प प्लेयर, या फिर इनमें से जो भी नहीं खेलेगा इनके जगह पे कोई नया प्लेयर खेलेगा, तो इन सभी प्लेयर को मिलाकर जो भी ट्रम्प प्लेयर होंगे उनमें से मिनिमम 4 ट्रम्प प्लेयर को आपको ग्रैंड लीग में आज के मैच में ज़रूर यूज़ करना है। 4 से कम मत करना, 4 तो मिनिमम करना ही करना है, मैक्सिमम 7 तक करना है। ऐसा मत करना कि इन सभी ट्रम्प प्लेयर को लेकर एक ड्रीम टीम एक
जीएल में कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, ऐसा भी मत करना। आपको आज के मैच में हाई सिलेक्शन और स्टंप प्लेयर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर ड्रीम टीम में ड्रीम इलेवन में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है जीएल के लिए। ऐसा मत करना कि सभी के सभी हाई सिलेक्शन ले लो और टीम ज्वाइन कर लो, या फिर सभी के सभी ट्रंप ले लो और उससे टीम ज्वाइन कर लो। इस दोनों भी टाइप के टीम से आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। अगर आपको जीतना हो तो हाई सिलेक्शन और लो सिलेक्शन दोनों भी टाइप के प्लेयर का कॉम्बिनेशन बनाकर ही ग्रैंड लीग ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। तो ये मैंने ट्रंप दिखा दिया है। तो चलिए अब मैं आपको किस तरह से ट्रिक का यूज़ करते हुए टीम बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जो मैंने सिलेक्ट किया है उन सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं एक नई टीम बना पाऊँ, आपको दिखा पाऊँ कि किस तरह से टीम बनानी है, ताकि आप भी इस तरह की टीम बना पाओ। तो मैं चार टाइप की अलग अलग टीम बनाकर दिखाऊंगा। तो हर टीम में जो भी टीम बनाऊंगा उसमें अलग अलग टिप्स यूज़ करूंगा, तो वो सभी टिप्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं इस ग्रैंड के लिए। तो आपको उन सभी चार टीम को किस तरह से मैं बना रहा हूँ वो आपको देखना है और टिप्स भी सुनना है, ताकि आप ग्रैंड में इस मैच में अच्छी रैंक ला पाओ, यानी कि टॉप रैंक या फिर फर्स्ट रैंक। तो चलिए इस ये जो पहली टीम है इसमें मैं आज के मैच में 10 आई सिलेक्शन है, तो 10 में से मैं सिर्फ 5 ही लूँगा और जो बाकी के 5 है उनको मैं ड्राप करूँगा। तो चलिए बॉलिंग सेक्शन में चेक करते कौन है 2 आई सिलेक्शन, सिराज और वोल्ट। इसमें बैटिंग में सैमसन है, उसके बाद यहाँ पे कोहली है, तो पाटीदार है। तो चलिए मैं जायसवाल को एक ले लिया। उसके बाद दूसरा हाई सिलेक्शन मैं लेता हूँ, यहाँ पे पराग ले लिया, उसके बाद यहाँ पे सैमसन ले लिया। तो ये 3 हो गए और 2 मुझे लेना है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ हाई सिलेक्शन प्लेयर, इसमें से चलो ग्रीन को ले लिया और एक मुझे लेना है, तो यहाँ पे प्लेसिस ले लिया। तो हमने ये 5 हाई सिलेक्शन लिए है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने पाटीदार को ड्रॉप कर दिया, मैंने कोहली को ड्रॉप कर दिया, तो ऐसे बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं आपको अगर ग्रैंड लीग खेलना हो तो। कल के ही मैच में आपने देखा होगा, चलो दिखा देता हूँ, कल के ही मैच में ये जो ट्रेविस हेड और जो अभिषेक शर्मा है इनका सिलेक्शन परसेंट 80 के ऊपर था। ये दोनों भी कई धुआंधार पारियाँ खेल चुके थे, लेकिन कल के मैच में दोनों फ्लॉप हुए। उसके बाद जो नीतीश कुमार रेड्डी वो भी उसका भी सिलेक्शन आई था, वो भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में नटराजन का भी हाई सिलेक्शन था, वो भी फ्लॉप हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े रिस्क आपको लेने पड़ सकते हैं, खास करके बैटिंग सेक्शन में तो आप रिस्क ले ही सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने कोहली को ड्रॉप कर दिया, पाटीदार को ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा हाई सिलेक्शन की अगर बात करूँ तो बॉलिंग सेक्शन में बोल्ट को ड्रॉप किया, सिराज को ड्रॉप किया। उसके साथ अगर बैटिंग सेक्शन की अगर बात करूँ तो बैटिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मैक्सवेल को ड्रॉप किया हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को। तो इस तरह की मैंने रिस्क ली। तो इसमें मुझे 6 ट्रंप प्लेयर डालना है, तो इसमें 6 ट्रंप प्लेयर मैं कहाँ डालता हूँ वो आप देखिए। तो 6 ट्रंप प्लेयर में इसमें से जो डालूंगा, इसमें बॉलिंग सेक्शन में कंफर्म ट्रंप प्लेयर आज के मैच में आना है, इसलिए मैं बॉलिंग सेक्शन में कंफर्म ट्रंप प्लेयर डालूंगा। तो बॉलिंग सेक्शन में कितने ट्रंप हैं चलो चेक करते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं जो पिछले मैच खेले थे सिर्फ उन्हीं को मैं गिनूंगा, जो नहीं खेले थे उनके चांसेस आज के मैच में खेलने के कम हो सकते हैं, इसलिए मैं उनको सिलेक्ट नहीं करूँगा। अगर खेलते हो तो फाइनल टीम में टेलीग्राम पर दूंगा, तो उसे ज्वाइन करके रख देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में ट्रंप आवेश खान है, संदीप शर्मा है 2 हो गए, लॉकी फर्गुसन हो गए ये 3 हो गए, यश दयाल हो गया 4 हो गए, बर्गर हो गया 5, और ये यहाँ पे करण शर्मा, यानी कि टोटल 6 ट्रंप प्लेयर आज के मैच में दिख रहे हैं। तो इसमें से 2 तो ट्रंप प्लेयर कन्फर्म आज के मैच में आने वाले हैं, मैक्सिमम 3 से 4 तक आ सकते हैं। तो मुझे अभी इस मैच में 3
इस मैच में मुझे 6 ट्रम्प डालना है, तो 6 में से 2 या 3 तो बॉलिंग से ही मैं डालूँगा। तो यहाँ से मैं संदीप शर्मा को ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं लेता हूँ बर्गर को लिया, तो 2 लिया, और एक मैं ले लेता हूँ चलो कर्ण शर्मा को ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में मैंने तीनों के तीनों ट्रम्प डाल दिए हैं। अब मुझे 3 और ट्रम्प डालना है, तो मैं कहाँ पे डालूँगा वो देखिए ट्रम्प, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ट्रम्प डालता हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में अश्विन दिख रहा है, बैटिंग सेक्शन में कितने ट्रम्प है चेक करते हैं, एक पावेल है, दूसरा कैडमोर है, तीसरा लोमरो है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कैडमोर पे रिस्क लिया। तो ये हमारी एक इसमें चलो और 2 ट्रम्प डालना है मुझे, तो यहाँ पे लोमरो है, लोमरो के बाद अनुज रावत है, कार्तिक है, सॉरी अनुज रावत तो पिछली मैच नहीं खेला। एक ट्रम्प को मैंने ले लिया और एक मुझे ट्रम्प डालना है। चलिए कैसी टीम बनी है चेक करते हैं, तो चलिए और एक ट्रम्प डालना है मुझे, तो यहाँ से मैं डालता हूँ लोकी फर्गुसन को। हाँ, तो ये हमारी एक टीम बनकर आ चुकी है, जहाँ पे मैंने 4 ट्रम्प लिया, बॉलिंग सेक्शन में 4 लिया, बैटिंग सेक्शन में 1 ट्रम्प लिया जो कि कोलर कैडमोर है, और कीपिंग सेक्शन में 1 लिया यानी कि दिनेश कार्तिक है। तो इस तरह की हमारी टीम बन चुकी है, तो इस तरह की आपको टीम बनानी है ग्रैंड लीग जीतना है, तो इस तरह से आपको 6-6 ट्रम्प प्लेयर लेना पड़ सकता है, 4 लेना पड़ सकता है, 7 लेना पड़ सकता है। तो चलिए इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ, तो इसमें मैं कैप्टन बनाऊँगा संदीप बर्गर को कैप्टन बनाता हूँ, और वाइस बनाता हूँ इसमें चलो बर्गर को नहीं, मैं संदीप शर्मा को कैप्टन और वाइस बनाता हूँ मैं, आप ऐसा कर सकते हैं संदीप को कैप्टन और वाइस पराग को। ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है, तो इसमें हमें ट्रिक यूज़ करना है, तो ये पहली टीम है हमारी, तो चलिए ट्रिक यूज़ करते हैं। तो इसमें ट्रिक ये यूज़ करना है कि ये कॉम्बिनेशन पिछले कॉम्बिनेशन से मैच नहीं होना चाहिए, तब ये टीम के ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर मैच में ऐसा ही हुआ है, हर बार यूनिक टीम यूनिक कॉम्बिनेशन काम कर चुका है। इस 2024 IPL में ये ट्रिक एक भी बार फेल नहीं हुई है, इसलिए आपको इस ट्रिक का इस मैच में ज़रूर यूज़ करना है। तो चलिए चेक करते हैं, मैंने RCB की तरफ से 5 प्लेयर लिया है, तो 5 प्लेयर चेक करते कॉम्बिनेशन, एक कार्तिक लिया, दूसरा प्लेसिस, तीसरा ग्रीन लिया, चौथा फर्गुसन, पांचवा कर्ण शर्मा। तो चलिए 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं RCB की तरफ से, तो RCB की तरफ से मैंने ये टोटल 14 पुराने कॉम्बिनेशन दिखा दिए, तो 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। इसमें दूसरे मैच में देखिए रावत चला, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन, उसके बाद 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8वें मैच में वहाँ पे पाटीदार चला जिसे हमने ड्रॉप किया, इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन, उसके बाद 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन एक भी बार नहीं चला यानी कि सिर्फ 2 बार चला है, तो यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम इस टीम के साथ जा सकते हैं। तो चलिए अब हम चेक करते हैं राजस्थान का कॉम्बिनेशन। ओ नो, ये क्या हो गया, फिर से मुझे वही प्लेयर लेना पड़ेगा, चलो ले लेते हैं, वही टीम ले लेंगे और ड्रीम टीम बना देंगे। तो मुझे याद है किस किस को मैंने लिया था, एक तो सैमसंग को लिया, कार्तिक को लिया, और यहाँ से मैंने लिया था जयसवाल को लिया, उसके बाद कैडमोर को लिया था, उसके बाद यहाँ से मैंने प्लेसिस को लिया था, ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने पराग को लिया, ग्रीन को लिया, उसके बाद मैंने लिया था यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में फर्गुसन को लिया था मैंने,
उसके बाद लिया था मैंने कर्ण शर्मा को लिया था, उसके बाद बर्गर को लिया था और यहाँ से संदीप शर्मा को लिया था। तो आप देख सकते ये टीम मैंने ली थी। अगर आप देखिए मेरा जो याददाश्त है वो आप चेक कर सकते हैं, अगर ये सेम वही कॉम्बिनेशन आ चुका हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि काफ़ी अच्छी याददाश्त है। तो मुझे नहीं पता लेकिन कंफर्म मुझे लगता है यही मैंने लिया था। तो मैं तो बोलूँगा 100% मेरा यही कॉम्बिनेशन था अपना। तो चलिए यहाँ पे कैप्टन और वाइस किसे बनाया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कैप्टन मैंने बनाया था संदीप शर्मा को और वाइस बनाया था पराग को। तो हमने 5 प्लेयर कॉम्बिनेशन चेक कर लिए थे आरसीबी के, तो अब हमें चेक करना है राजस्थान के। तो 6 प्लेयर लिए हैं, सैमसन, जायसवाल, कैडमोर, पराग, संदीप शर्मा, बर्गर। तो ये हमने 6 प्लेयर लिए हैं। तो 6 प्लेयर कॉम्बिनेशन चेक करते हैं कोलकाता का कॉम्बिनेशन। तो चलिए कोलकाता का कॉम्बिनेशन, सॉरी राजस्थान का कॉम्बिनेशन, कोलकाता का नहीं। तो चलिए राजस्थान के टोटल 13 मैच पहले हो चुके, एक बारिश की वजह से कैंसिल हुई, इसलिए 13 कॉम्बिनेशन में चेक करते 6 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं 5वें मैच में 6 प्लेयर चले, लेकिन उसमें कुलदीप सेन चला था जिसे हमने नहीं लिया इसलिए यूनिक। उसके बाद 6वें मैच में देखिए वहाँ पे हिटमायर चला इसलिए यूनिक। उसके बाद 7वें मैच में देखिए वहाँ पे बोल्ट चला जिसे हमने नहीं लिया इसलिए यूनिक। उसके बाद 6 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन एक भी बार नहीं चला। तो ये हमने 3 प्लेयर तीन कॉम्बिनेशन दिखा दिए जो कि पिछले मैच के यूनिक थे, अभी का यूनिक है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जा सकते हैं। तो ये एक हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, ट्रिक के मदद से मैंने टीम बनाकर दिखाया। चलो अब मैं और टिप्स आपको अलग टिप्स बताता हूँ और उससे और एक मैं कॉम्बिनेशन बनाकर दिखाता हूँ इसी ट्रिक के मदद से। तो किस तरह से उस ट्रिक को यूज़ करना है वो आप जान जाओगे और किस तरह से टिप्स का यूज़ करना है वो भी आप जान जाओगे। तो चलिए आपको मैं ऐसे प्लेयर बताऊंगा इस मैच में जिस पे किसी का भरोसा नहीं लेकिन वो प्लेयर ड्रीम टीम में आ सकते हैं, तो उनको आपको ज़रूर यूज़ करना है। तो चलिए कीपिंग सेक्शन में ट्रंप प्लेयर ये जुरेल हो गया, इस पे किसी का भरोसा नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही सेक्शन के प्लेयर दिखाऊँगा, जैसे कि कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन। ऐसे ही तीन सेक्शन के प्लेयर को दिखाऊंगा जिस पे किसी का भरोसा नहीं है। अगर मैं बॉलिंग के दिखाने लग जाऊँ तो वहाँ पे 6-6 ट्रम्प प्लेयर है, तो उन सभी को लूँगा। यहाँ पे कीपिंग, ऑलराउंडर और बैटिंग में सभी के सभी सेक्शन से ले लूँगा, तो इतने सारे प्लेयर हो जाएंगे कि उनमें से कौन से 3 या 4 लेना है, इसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। और ले तो किसे ले, ड्रॉप करे तो किसे ड्रॉप करे, ऐसा आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ 3 ही सेक्शन के सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये 4 हो गए और कौन सा ट्रंप है चलो चेक करते हैं। यहाँ पे लोमरोन हो गया, उसके बाद यहाँ पे भरोसा किस पे नहीं है, यहाँ पे अश्विन पे भरोसा नहीं है लोगों का और कार्तिक पे नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 6 प्लेयर ऐसे दिखाए हैं बैटिंग, कीपिंग और ऑलराउंडर सेक्शन में, जहाँ पे किसी का भरोसा नहीं, इन प्लेयर को लोग ड्रॉप कर रहे हैं। क्यों ड्रॉप कर रहे हैं? क्योंकि ये पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे। जो फ्लॉप होते हैं लगातार उन सभी को लोग ड्रॉप करते हैं, लेकिन ऐसे ही फ्लॉप प्लेयर आज के मैच में चलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो 6 प्लेयर मैंने दिखाया है इनमें से कन्फर्म एक तो आज के मैच में आने ही वाला है, कंफर्म आने वाला है। तो ऐसे प्लेयर को आपको ड्रॉप नहीं करना है। तो अगर ये ना आए तो यहाँ से और भी कुछ नए प्लेयर अगर खेलते हैं, जैसे कि प्रभु देसाई हो गया बैटिंग सेक्शन में, हिटमायर हो गया, इन पे भी कोई भरोसा नहीं दिखाएगा, तो वैसे प्लेयर को आपको लेना है। यहाँ पे बैटिंग कीपिंग सेक्शन में अनुज रावत है, के सिंह राठौर है, और ऑलराउंडर सेक्शन में अगर देखना चाहे तो यहाँ पे कोटियान है, तनुष कोटियान है, भान डागे, तो ये एक है। तो ऐसे प्लेयर को आपको यूज़ करना है, भले ही आप मैंने जो दिखाया है
इसको यूज ना करो। लेकिन इसी टाइप इसी कैटेगरी के जो प्लेयर है इन तीन सेक्शन में जिन पे किसी का भरोसा नहीं, उनमें से कन्फर्म एक तो आने ही वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर ना आए तो आप मुझे इस पर प्रेडिक्शन के बाद मुझे बोलना। तो ये पिछले मैच खेले थे इसलिए मैं इनको सिलेक्ट किया। अगर इनके जगह पे कोई तीसरी कोई और प्लेयर पिछली मैच खेलता तो मैं उनको भी सिलेक्ट करके दिखा देता, लेकिन जो नहीं खेले थे उनके खेलने के चांसेस कम है इसलिए मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया है। अगर वो खेलते हैं तो मैं ड्रीम टीम जो ड्रीम इलेवन की टीम बनाऊंगा फाइनल टीम, तो वो टेलीग्राम पर मैं उनको ज़रूर यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए इसमें से मैं दो या तीन ट्रम्प प्लेयर चलने वाले हैं, तो चलो तीन को मैं यूज़ करके एक टीम बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं कार्तिक को ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से लोम्ब्रोर को ड्रॉप करता हूँ, पावेल को ड्रॉप करता हूँ, चलो अश्विन को भी ड्रॉप कर देता हूँ और एक ले लेता हूँ इनमें से। तो इनमें से मैं लूँगा पावेल को, लिया मैंने। तो ये मैंने तीन ऐसे प्लेयर लिए जिन पे किसी का भरोसा नहीं है, तो अब मुझे ट्रम्प प्लेयर और डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम एक तो ट्रम्प और डालना ही पड़ेगा मुझे। तो बॉलिंग सेक्शन में कंफर्म आता है ट्रम्प प्लेयर, इसलिए बॉलिंग सेक्शन में डालना है। तो चलिए यहाँ पे दो तीन डाल देता हूँ ट्रम्प। पिछले मैच में पिछली टीम में मैंने 6 ट्रम्प लिए थे, इसमें मैं 6 आई सिलेक्शन लूँगा और दो ट्रम्प डालूँगा। तो यहाँ से मैं ट्रम्प डालूँगा इस सेक्शन में से एक, तो एक डालूँगा मैं बर्गर को डालता हूँ, दूसरा डालता हूँ मैं आवेश खान को। तो ये मैंने दो ट्रम्प डाल दिए यानी कि टोटल मैंने 6 ट्रम्प ले लिए हैं, सॉरी 5 लिए हैं। तो इसमें मुझे 6 आई सिलेक्शन लेना है। तो चलिए किस तरह से मैं टीम बनाता हूँ वो देखिए। यहाँ पे एक तो आई सिलेक्शन में राजस्थान की तरफ से डाल देता हूँ, जयसवाल या फिर सैमसन, दोनों में से किसी एक को डाल सकता हूँ या फिर पराग को डाल सकता हूँ। चलो पराग को मैंने डाल दिया। तो ये एक हाई सिलेक्शन हो गया और मुझे हाई सिलेक्शन डालने हैं 5। तो चलिए यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से मैं ग्रीन को डाल देता हूँ, मैक्सवेल को डाल देता हूँ, ये दो हो गए और मुझे हाई सिलेक्शन डालना है। तो यहाँ से मैं कोहली को डाल देता हूँ उसके बाद, और मुझे हाई सिलेक्शन डालना है। तो बॉलिंग सेक्शन में चेक करते कौन है, एक बोल्ट है, दूसरा सिराज है, सिराज को डाल दिया मैंने। तो ये हमारे 10 हो चुके हाई सिलेक्शन, इसमें और एक मुझे हाई सिलेक्शन डालना है। तो इसमें मैं डालता हूँ, चेक करता हूँ कहाँ पे कितने हाई सिलेक्शन हुए, कीपिंग और बैटिंग में दोनों को मिलाकर 3 हाई सिलेक्शन सॉरी 3 ट्रम्प हुए और बॉलिंग सेक्शन में ड्रॉ 2 हुए, यानी कि टोटल 5 ट्रम्प हो चुके हैं। इसमें और एक हाई सिलेक्शन मुझे डालना है, तो यहाँ पे मैं डालूँगा हाई सिलेक्शन प्लेसेस को डाल दिया। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है। तो हमें इसमें एक ऐसी चीज़ करना है जो इसमें हमें ट्रिक यूज़ करना है। तो कौन सी ट्रिक, जो पिछली बार ट्रिक यूज़ की है वही सेम ट्रिक इसमें कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करना है, क्योंकि ये वो ट्रिक एक भी बार फेल नहीं हुई है। तो चलिए चेक करते हैं आरसीबी की तरफ से 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन, कोहली प्लेसेस ग्रीन मैक्सवेल सिराज। तो ये 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं आरसीबी की तरफ से। अगर ये कॉम्बिनेशन पिछले कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा हो तो हमें यूनिक बनाना है। तो चलिए 5 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन पहले दूसरे मैच में चला, जहाँ पे
कार्तिक चल्ला जिसे हमने नहीं लिया इसलिए नहीं, उसके बाद फास्ट प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। आठवीं मैच में जहाँ पे दयाल चला जिसे हमने नहीं लिया इसलिए नहीं, उसके बाद फास्ट प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन एक भी बार नहीं चला। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप हम जा सकते हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इस 2024 आईपीएल में आरसीबी की तरफ से नहीं चला है। तो ये हो गया, अब हम चेक करते हैं हम यहाँ पे राजस्थान का कॉम्बिनेशन। तो छह प्लेयर लिए हैं, जुरेल कैडमोर, पावेल, पराग, आवेश और बर्गर, ये छह प्लेयर चेक करते हैं। छह प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन राजस्थान वाला छह प्लेयर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छह प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन पांचवें मैच में चला, जहाँ पे कुलदीप सेन चला इसलिए यूनिक, छठवें मैच में देखिए हेटमार चला इसलिए यूनिक, सातवें में देखिए बटलर चला इसलिए यूनिक, उसके बाद छह प्लेयर वाला नहीं चला इसलिए यूनिक। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बन के आ चुका है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हैं। तो इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ, इसमें मैं कैप्टन बनाऊँगा ग्रीन को कैप्टन बनाता हूँ और वाइस बनाता हूँ मैं सिराज को। मैंने ग्रीन को क्यों बनाया क्योंकि ग्रीन अब तक इस 2024 आईपीएल में एक बार कैप्टनसी एक बार वाइस कैप्टनसी वाली पारी खेल चुका है, और सिराज को इसी रिस्क लिया, सिराज पे रिस्क इसलिए लिया क्योंकि अब तक सिराज इस 2024 आईपीएल में एक भी बार कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी वाली पारी नहीं खेल चुका है। हो सकता है आज के मैच में खेल ले, जिस तरह से मैंने कल के मैच में बोला था कि श्रेयस अय्यर एक भी बार वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी वाली पारी नहीं खेला, आठ बार ड्रीम टीम में आ चुका है, तो कल के मैच में वाइस कैप्टनसी वाली पारी खेल सकता है, ऐसा मैंने बोला था। तो कल के मैच में वाइस कैप्टनसी वाली पारी भी खेल दिया श्रेयस अय्यर ने। देखिए मैंने कल प्रेडिक्शन के समय पर बताया था, तो देखिए वाइस कैप्टन बन भी गया। इसी तरह से आज भी हम एक प्लेयर पर रिस्क लेने वाले हैं, तो वो है सिराज। तो सिराज को मैंने वाइस कैप्टन बना दिया है। तो ये एक हमारी ड्रीम टीम आज ड्रीम इलेवन की टीम बन चुकी है। तो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े रिस्क लिए, इस तरह से आपको रिस्क लेकर ग्रैंड लीग की टीम बनाना पड़ सकता है। अब अगर आपको फर्स्ट रैंक लानी है तो ये दो टीम हो गए और मैं दो टीम बना कर दिखाऊँगा। तो चलिए दो टीम बना कर दिखाता हूँ, तो उसमें मैं अलग टिप्स बताऊंगा। तो इसमें क्या अलग टिप्स है ये आप जानिए। ये टिप्स आपको आज के मैच में जरूर वर्क करेगी, उसके बाद और एक अलग टिप्स बताऊंगा। तो पिछले मैच में जो चला था कोहली, प्लेसिस और पाटीदार, तो ये तीन प्लेयर का कॉम्बिनेशन चला था पिछले मैच में, तीनों भी एक साथ आए थे, तीनों भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर देख सकते हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन अब तक इस 2024 आईपीएल में नहीं चला था, जो पिछले मैच में चला, लेकिन आज के मैच में ये तीनों के तीनों आपको एक साथ नहीं रखना है, इनमें से मिनिमम एक को ड्रॉप ज़रूर करना, मैक्सिमम तीनों को ड्रॉप कर सकते हो। तीनों के तीनों को आप ड्रॉप करके इन पर रिस्क ले सकते हो, ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो, लेकिन एक को तो कंफर्म ड्रॉप करना है, इनमें से एक तो कंफर्म फ्लॉप होने वाला है। तो मैं अगर बताना चाहूँ तो कोहली फ्लॉप हो सकता है इस मैच में। अगर आप बोल रहे होंगे कि कोहली कैसे फ्लॉप हो सकता है, तो देखिए दोस्तों इसकी स्ट्रीक आपको दिखा देता हूँ कोहली की, अब तक जो 2024 आईपीएल में बन चुके हैं कोहली की स्ट्रीक देखिए। आखिर के जो छः मैच हो चुके हैं उसमें देखिए, लगातार छः में से छः मैच में कोहली चल चुका है। तो ऐसे प्लेयर पे आपको इस मैच में रिस्क लेना है जो लगातार चलते हुए आ रहा है, उसको ड्रॉप करो, और जो लगातार फ्लॉप हो रहा है उसको आप यूज़ करो। जैसे कि मैंने कोहली को मैं ड्रॉप करने को बोल रहा हूँ, लगातार छः बार चला, तो इसके पहले इसकी इतनी लंबी स्ट्रीक नहीं चली थी। इसके पहले की लंबी स्ट्रीक आप अगर चेक करना चाहो तो दिखा देता हूँ मैं कौन सी स्ट्रीक चली थी लंबी।
पहले में नहीं चला, दूसरे में चला, तीसरे में चला, यानी कि दो की स्ट्रीक हो गई। उसके बाद और स्ट्रीक इसकी दो, सिर्फ दो की एक स्ट्रीक हो चुकी थी इससे पहले। और ये ऐसी स्ट्रीक है जो लगातार 6 बार चल चुका है, तो पहले 2 बार ही स्ट्रीक बना चुका है, सॉरी 2 की ही स्ट्रीक बना चुका है। तो आज के मैच में ये 6 की स्ट्रीक इसकी समाप्त हो सकती है, यानी कि 7वीं स्ट्रीक नहीं बनेगी। ऐसी रिस्क लेकर मैं एक टीम बनाऊंगा। तो इस तरह से आपको स्ट्रीक चेक करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर कितनी लंबी स्ट्रीक बना सकता है, उसकी काबिलियत के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पे मैं कोहली को ही ड्रॉप कर देता हूँ, चलो कोहली को ड्रॉप कर दिया, ये एक हो गया। उसके बाद मैं प्लेसिस की स्ट्रीक चेक करता हूँ, प्लेसिस और पाटीदार। तो प्लेसिस और पाटीदार की अगर चेक करूँ तो पाटीदार देखिए लगातार 3 बार ड्रीम टीम में आया। प्लेसिस देख सकते आखिरी के मैच में प्लेसिस नहीं आया, आखिरी की जो मैच थी वो उसी में आया, यानी कि आज के मैच में प्लेसिस चल सकता है, इसके चांसेस है, लेकिन कोहली और पाटीदार के फ्लॉप होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस है। तो इनमें से जिसको ड्रॉप करना है कर सकते हो, तो मैं इनमें से पाटीदार को भी ड्रॉप कर देता हूँ इसमें से। पाटीदार को क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ इसका रीज़न भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो पाटीदार जो इस 2024 आईपीएल में जितने भी मैच खेल चुका है उसमें उसकी स्ट्रीक चेक कीजिए आप। तो पाटीदार की चलो स्ट्रीक चेक करते हैं, इस 3 मैच से पहले, 3 मैच की स्ट्रीक से पहले कौन सी लंबी स्ट्रीक चली थी, तो पाटीदार चेक करते हैं। पहले मैच में नहीं चला, दूसरे में नहीं चला, तीसरे में नहीं चला, चौथे में चला लेकिन 5वें में नहीं चला, यानी कि इसमें स्ट्रीक बनी ही नहीं। आज 6वें मैच में चला, 7वें में नहीं चला, इसलिए इस यहाँ पे भी स्ट्रीक नहीं बनी। यहाँ पे 8वें मैच में पाटीदार चला, 9वें मैच चला, तो देख सकते ये 2 की 1 स्ट्रीक बन चुकी है, यानी कि पाटीदार की इससे पहले की जो स्ट्रीक थी लंबी वाली सिर्फ 2 की थी, और इस बार ये इसने 3 की बनाई है। तो ये प्लेयर एक इसके अलावा इस प्लेयर का ये भी आप देख सकते हैं, एक बार चला, एक मैच में चला तो दूसरे मैच में फ्लॉप हुआ, इस तरह से मैचेस हुए हैं, या फिर 2 बार लगातार ड्रीम टीम में आया तो तीसरे में फ्लॉप हुआ, ये हो चुका है। और अभी जो लगातार 3 की स्ट्रीक बन चुकी है, तो आज के मैच में इसके फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी ड्रॉप कर देता हूँ। और प्लेसिस को क्यों लिया, क्योंकि प्लेसिस की स्ट्रीक मैक्सिमम 2 या 3 की बना चुका है, तो अभी तो 1 ही मैच में चला है लास्ट के, तो आज के मैच में चलकर 2 की स्ट्रिक बना सकता है। जैसे कि प्लेसिस पहले मैच में चला, दूसरे में नहीं चला, फ्लॉप हो गया, तीसरे में फ्लॉप हो गया, चौथे में भी फ्लॉप हो गया, यहाँ पे देखिए 5वें मैच में चला, 6वें में चला, 7वें में चला, यानी कि लगातार 3 की स्ट्रिक चला, तो इसकी काबिलियत है 3 की स्ट्रिक चलाने की, लगातार 3 मैच में चलने की काबिलियत है, इसलिए आखिरी की 1 मैच में चला तो और 1 बार चलने की काबिलियत है, इसलिए और 2 बार चलने की काबिलियत है, इसलिए इसको मैं ले लेता हूँ। तो प्लेस इसको मैंने ले लिया। तो इसी तरह से मैं RCB के सॉरी राजस्थान के प्लेयर को भी चेक कर लेता हूँ, ऐसी किसी ने स्ट्रिक बनाई हो तो चलिए चेक करते हैं। ये ऐसे प्लेयर पर अप्लाई नहीं होंगी जो बहुत लंबी लंबी स्ट्रिक खेलते हैं, जैसे कि सुनील नारायण, सुनील नारायण तो 10-10 की स्ट्रिक बना चुका है, लगातार 10 मैच में चल चुका है, तो वैसे प्लेयर पर रिस्क नहीं लेना। जैसे कि उसके अलावा और भी एक प्लेयर है श्रेयस अय्यर, जो पिछले मैच में मैंने बताया था प्रेडिक्शन में, लगातार 8 मैच में चल चुका है, तो वैसे लंबी स्ट्रिक बनाने वाले जो प्लेयर होते हैं उन पर रिस्क नहीं लेना है, जो छोटी स्ट्रिक बनाकर फ्लॉप होते हैं उन पर लेना है। जैसे कि अभी तो कोहली 6 की चल चुका है, तो इस पे मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो हो सकता है ये आज के मैच में चल जाए। अगर आपको इस पे रिस्क नहीं लेना तो मत लो, मैं तो रिस्क लेकर टीम बनाऊँगा। तो यहाँ पे चलो RCB के तरफ से कौन सा प्लेयर ऐसी लंबी स्ट्रिक बना रहा है चेक करते हैं पिछले 3 मैच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी RCB का हमने चेक किया, राजस्थान का हमें चेक करना है। तो यहाँ पे RCB के तरफ से ग्रीन एक प्लेयर है जो
लगातार 3 मैच में चल चुका है, तो उसको भी आप फ्लॉप कर सकते हैं। तो चलिए राजस्थान का चेक करते हैं। तो राजस्थान की तरफ से लगातार चलने वाला प्लेयर, 3 मैच में या फिर 2 मैच में लगातार चलने वाला प्लेयर, तो यहाँ पे पराग लगातार 2 मैच में चला, बोल्ट नहीं चला। बोल्ट की स्ट्रिक 2 की हो, आप देख सकते हैं बोल्ट की बन चुकी है, जैसे कि आठवें मैच में और 9वें मैच में। तो इस मैच में बोल्ट चल सकता है, चलने के चांसेस है, फ्लॉप भी हो सकता है, फ्लॉप होने के भी चांसेस है। तो अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अश्विन के फ्लॉप होने के आज के मैच में चांसेस हैं। क्यों चांसेस है कि इसकी स्ट्रिक आप देखिए, आखिरी के 3 मैच में लगातार चला है, तो आज के मैच में फ्लॉप हो सकता है। वैसे आप इसके पुरानी स्ट्रिक चेक कीजिए, पहले मैच में नहीं चला, दूसरे में चला, तीसरे में चला, चौथे में फ्लॉप हुआ, यानी कि 2 की स्ट्रिक बनाया उसके बाद। और स्ट्रिक कहाँ पर है चेक करते हैं अश्विन की स्ट्रिक और नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे पहले तो 2 की स्ट्रिक बनाया था, इस बार 3 की बनाए, यानी कि आज चौथी स्ट्रिक बनाए गए या नहीं बनाए गए ये पता नहीं, लेकिन आज फ्लॉप होने के इसके चांसेस है, इसलिए इसको भी मैं ड्रॉप करता हूँ। तो चलिए किसे मैं लेता हूँ, ऐसे प्लेयर को लेता हूँ जिसकी स्ट्रिक बनाने की काबिलियत है लेकिन स्ट्रिक नहीं बनाया है अब तक। तो स्ट्रिक बनाने की लंबी स्ट्रिक बनाने की काबिलियत किस में चेक करते हैं, पराग को चेक करते हैं। पराग पहले मैच में चला, दूसरे में चला, तीसरे में चला, उसके बाद चौथे में फ्लॉप हुआ, पराग पाँचवें में चला, छठवें में चला, सातवें में चला, तो लगातार 3 बार चलने की स्ट्रिक है यहाँ पे। और आखिरी के अगर मैच देखो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आखिरी के 3 में चला, तो आज के मैच में ये चल सकता है, क्योंकि ये लंबी स्ट्रिक बनाने के लिए काबिलियत रखता है। तो पराग को हमने पहले ही ले लिया है। तो चलिए और कुछ ऐसे प्लेयर चेक करते हैं जो लगातार 3 मैच से फ्लॉप हो रहे हैं, 2 या 3 मैच से, उसको हमें लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संजू सैमसन जो आखिरी के 2 मैच में लगातार फ्लॉप हो चुका है, तो इसके आज के मैच में चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको आज आप ले सकते हैं। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं सैमसंग को। उसके बाद और कोई ऐसा प्लेयर है तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, चार लगातार चल चुका है तो आज फ्लॉप हो सकता है, इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। संदीप शर्मा को हम ट्राई कर सकते हैं आज के मैच में, लगातार 2 मैच में फ्लॉप हुआ। उसके बाद जुरेल को ट्राई कर सकते हैं, जुरेल पिछले मैच में नहीं चला, इसके पहले चला, तो एक बार चलता है एक बार नहीं चलता है, ऐसे इसके स्ट्रिक बन चुके हैं, तो आज के मैच में चल सकता है। शुभम दुबे को हम ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे पावेल को ट्राई करेंगे क्योंकि पावेल लगातार 3 मैच से फ्लॉप हो रहा है, तो चलिए पावेल को डाल देते हैं। तो चलिए पावेल, मैं चौथी टीम नहीं बना पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको फाइनल टीम देखना है तो आप टेलीग्राम पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको टिप्स और फाइनल टीम दे सकता हूँ। टिप्स तो पक्का दूंगा, पिच रिपोर्ट पक्का दूंगा, फाइनल टीम का पता नहीं लेकिन दे सकता हूँ। तो चलिए पावेल को ले लिया। तो ये हमने ऐसे प्लेयर को ले लिया जिसके चलने के चांसेस है आज के मैच में। तो और कुछ ऐसे प्लेयर डाल देते हैं, तो चलो ट्रंप प्लेयर में ग्रीन के फ्लॉप होने के चांसेस है इसलिए नहीं लिया। अश्विन को यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी अश्विन के चलने के चांसेस कम है, तो इसमें से चलो मैं लेता हूँ पराग को ले लेता हूँ, इसकी काबिलियत है लगातार चलने की। उसके बाद और कोई प्लेयर है चेक करते हैं और लगातार फ्लॉप हुआ, तो यहाँ पे बर्गर है, बर्गर के बाद यहाँ पे संदीप शर्मा है, उसके बाद कर्म शर्मा है आरसीबी के तरफ से। तो यह हमने यहाँ पे आप देख सकते कितने हाई सिलेक्शन, कितने ट्रंप हुए, यहाँ पे 4 ट्रंप हो चुके हैं और 3 हाई सिलेक्शन हो चुके हैं।
तो इसमें और एक दो ट्रंप डाल सकता हूँ मैं, या फिर बाकी के बचे हुए जगह पे सभी के सभी आई सिलेक्शन डाल सकता हूँ। तो चलिए चेक करते किस तरह से हमारी टीम बनी है। तो चलिए इसमें मैं डालता हूँ कार्तिक को, डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे लोमरो को डाल दिया। तो चलिए कितना ट्रंप हुआ है हमारा चेक करते हैं। बॉलिंग में तीनों की तीनों ट्रंप, बैटिंग में दो ट्रंप और कीपिंग में एक ट्रंप, यानी कि टोटल छः ट्रंप हो चुके हैं। तो इसमें मुझे पांच हाई सिलेक्शन डालना है। एक मैंने कीपिंग में डाल दिया, एक बैटिंग में हाई सिलेक्शन डाल दिया और एक ऑलराउंडर में डाल दिया, और मुझे दो डालना है। तो चलिए कहाँ पे दो डालता हूँ चेक कीजिए। यहाँ पे मैक्सवेल को ले लेता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ हाई सिलेक्शन प्लेयर बोल्ट को ले लेते हैं। तो ये एक हमारी टीम बनकर आ चुकी है, एकदम यूनिक टीम। तो इसमें मैंने मैक्सवेल और करण शर्मा को लिया है। तो चलो बोल्ट को हटाकर आरसीबी का ही डाल देता हूँ मैं हाई सिलेक्शन सिराज। तो ये एक हमारी टीम बन चुकी है। तो इस टीम में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पांच हाई सिलेक्शन डाले, जो कि बॉलिंग में एक हाई सिलेक्शन, ऑलराउंडर में दो, कीपिंग में एक और बैटिंग में एक। तो हमारे ये पांच हाई सिलेक्शन हो चुके हैं। तो इस टीम में मैंने बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, कोहली को ड्रॉप किया है, आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े लिए है, आप खुद चेक कर सकते हैं, ग्रीन को ड्रॉप किया है। तो इसमें मैं कैप्टन बनाता हूँ, इसमें ज़्यादातर तो संदीप शर्मा और बर्गर दोनों भी रिस्की प्लेयर पर मैंने कैप्टन बना दिया, यानी कि दोनों भी ट्रंप प्लेयर को। तो चलो मैं बर्गर को कैप्टन और वाइस बनाता हूँ संदीप शर्मा को। इस तरह के आप टीम बना सकते हैं, या फिर संदीप शर्मा को कैप्टन और सैमसंग को वाइस ऐसा बना सकते हैं, या फिर ऐसा भी बना सकते हैं पराग को कैप्टन और सैमसंग को वाइस। ये एक हमारी टीम हो गए। तो ऐसे में आप हाई सिलेक्शन को ही कैप्टन और वाइस बना दोगे तो भी आपकी ये टीम फर्स्ट रैंक पे आ सकती है, क्योंकि मैंने इतने लंबे बड़े बड़े रिस्क लिए हैं जो बहुत कम लोग इस मैच में लेने वाले हैं। तो इसमें संदीप अगर दो या तीन विकेट लेता है, बर्गर भी दो तीन ले लेता है, तो हमने आरसीबी के टीम को कोलैप्स कर दी है। उसके बाद जो जयसवाल की विकेट सिराज ले लेता है, तो उसके बाद कोहली और पाटीदार की विकेट मैक्सवेल ले लेता है। मैक्सवेल वैसे भी पावर प्ले में बॉलिंग डालने आ जाता है, तो उनके लिए विकेट ले लेता है। तो ये हमारी टीम काफ़ी अच्छी चल सकती है। तो ये हमारी टीम है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि कितने ये जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है ये यूनिक है या नहीं, वो चेक करेंगे। तो चलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्लेसिस के जगह पे आप कोहली या फिर पाटीदार को भी डाल सकते हैं, इससे भी आपकी टीम पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसमें मैं चेक करता हूँ ये कॉम्बिनेशन पिछले मैच से मैच किया है या नहीं। राजस्थान की तरफ से हमने लिया पांच प्लेयर, सैमसंग पावेल, पराग, संदीप, बर्गर। चलो राजस्थान के पांच प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। पहले मैच में सात चले, दूसरे में पांच चले। तो दूसरे में चेक कीजिए, अश्विन है जिसे हमने नहीं लिया इसलिए इन्हें, चौथे में पांच चले जिसमें हेट मार है इसलिए नहीं लिया इसलिए इन्हें। उसके बाद पांच प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन आखिरी के दो मैच में देखिए, 12 और 13 मैच में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं बटलर चला जो कि इस मैच में अवेलेबल नहीं है इसलिए इन्हें, उसके बाद अश्विन ने आखिरी मैच में इसलिए यूनिक कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा यूनिक कॉम्बिनेशन बन के आ चुका है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं आरसीबी के तरफ से। तो आरसीबी की तरफ से हमने लिया है छः प्लेयर में हमने लिया है कार्तिक, प्लेसिस, लोमरो, मैक्सवेल, सिराज, करण शर्मा। तो ये हमने
छः प्लेयर लिया है, तो छः प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो आरसीबी की तरफ से छः प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे, छः प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन तीसरे मैच में देखिए विजय कुमार चला इसलिए यूनिक, उसके बाद पांचवें मैच में देखिए टोपली चला इसलिए यूनिक, उसके बाद छः प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। आखिरी के जो 9, 10, 11, 12, 13, 14वें मैच है लगातार छः छः चल रहे हैं, तो वहाँ पे चेक करते हैं। पाटीदार चला जिसको हमने नहीं लिया इसलिए यूनिक, दूसरे उसके बाद 10वें मैच में देखिए विलजक्स चला जो अवेलेबल नहीं है इसलिए यूनिक, उसके बाद 11वें मैच में देखिए दयाल चला इसलिए यूनिक, उसके बाद 12वें मैच में देखिए ग्रीन चला इसलिए यूनिक, ग्रीन को हमने ड्रॉप किया, उसके बाद 13वें मैच में चलिए विलजक्स चला इसलिए यूनिक, 14वें मैच में चला देखिए दयाल ग्रीन चला जिसे हमने नहीं लिया इसलिए यूनिक। तो ये एक हमारी यूनिक कॉम्बिनेशन बन चुका है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जा सकते हैं। तो इस तरह के और भी टिप्स और ट्रिक्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और टेलीग्राम को आखिरी टीम फाइनल फाइनल टीम फाइनल टिप्स और फाइनल पिच रिपोर्ट के लिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक इस चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक फॉर दिस मैच।